कैथल शहर में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, सड़कों पर अवैध पार्किंग करने और दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शहर में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के आदेशानुसार पुलिस द्वारा 9 राइडर नियुक्त की गई हैं। थाना प्रबंधक यातायात सब इंस्पेक्टर मुख्तार सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। हाँ, कैथल शहर में लॉकडाउन के बाद एकदम लोगों का शहर में आना जाना शुरू हो गया, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। जिसको देखते हुए एसपी साहब श्री शशांक कुमार सावन जी ने ट्रैफिक पुलिस को 9 राइडरें प्रोवाइड कराई हैं, जो 8 बजे से सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक लगातार जिन सड़कों पर भीड़ भाड़ है, बाजार है, लोगों की आवाजाही है, वहाँ लगातार गश्त करते रहेंगे। और जो दुकानदार सड़क पर सामान रखे हैं उनका सामान हटवाएंगे। जो लोग सड़क पर बीच में वाहन खड़ा करके चले जाते हैं नो पार्किंग जोन में, उनके पोस्टल चलान करे जाएंगे। जो चलान उनके घर भेज देते हैं, हम फोटो उतार के चलान कर देते हैं। तो सर, कहाँ कहाँ गश्त की जाएगी, कौन कौन से एरिया पर भीड़ के लिए? पेवा चौक से विश्वकर्मा चौक, पेवा चौक से डान रोड, पेवा चौक से करनाल चौक, पेवा चौक से अंबेडकर चौक, पेवा चौक से अनाज मंडी गेट, छात्रावास रोड, रेलवे रोड, कबूतर चौक, सभी 9 ऐसे जगह चिन्हित करे थे जिन पे थोड़ा सा रस है, लोगों का आगमन ज़्यादा है, तो वहाँ पर लगातार 12 घंटे बिना रुके 9 राइडरें अपनी गश्त करेंगी। और जो ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं जवान, उनको हेल्प करेंगे, कहीं थोड़ी बहुत जाम की स्थिति बनती है तो उनकी सहायता करते हैं। तो सर, 9 राइडर तो कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई? 9 राइडरों पर 18 कर्मचारी लगातार 12 घंटे बिना रुके, हर 15-20 मिनट में हर दुकान के आगे से राइडर निकलती है, कोई अवैध पार्किंग का है या कोई दुकानदार अपना सामान आगे रखे हुए उसको समझाते हैं, उठाते हैं। बता दें कि ये राइडर शहर और सड़कों पर लगातार गश्त करेंगी और शहर में अतिक्रमण समेत जाम की स्थिति से मुक्ति दिलवाने में अहम योगदान देंगी। फिलहाल इस दौरान पुलिस ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।